नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल टारगेट सीरीज सर्विसेज में। आज हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2023 तक जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2023 तक विक्रमोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विक्रमोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, ये 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा। कहाँ पर, उज्जैन में किया जाएगा। और देखिए, उज्जैन में ही कालिदास समारोह का भी आयोजन किया जाता है, टिप्पा समारोह का आयोजन भी कहाँ पर किया जाता है, तो ये उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव और टिप्पा समारोह, इन तीनों का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे, तो ये SA धर्माधिकारी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, SA धर्माधिकारी होंगे इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज। हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी, ये 1968 में की गई थी। तो यहाँ पर इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे, SA धर्माधिकारी होंगे। ये बात करें हम यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है अभी हाल ही में। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, श्री M अधिकारी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, श्री M अधिकारी थे। और देखिए, इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव थे, इनको अभी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। उसने हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए, बात करें यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय था। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, सागर विश्वविद्यालय था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय किया गया था। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। अभी हाल ही में MPPSC के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय है, 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर, तो एक तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। इसका नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1991 में की गई थी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना कहाँ पर चलाई जा रही है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में चलाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। तो अभी इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन भी किया जाना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाना है। और 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हो गए इंदौर में। और 18 जनवरी को G20 की बैठक भी होगी। तो इन सभी को देखते हुए इंदौर वासियों के लिए घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, होम स्टे योजना। देखिए, बात करें हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की,
तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इंदौर में किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? तो ये 17वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये गुआना के राष्ट्रपति है। और देखिए इसकी थीम क्या रखी गई है, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, ठीक है। इसकी थीम भी याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। भारतीय प्रवासी सम्मेलन में 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे और 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन में भाग लेगी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? ये 9 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। और देखिए इसी दिन 2015 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। के बाद दोस्तों 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन भी किया जाएगा। पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पशुपालन की राष्ट्रीय योजना में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी लगातार चौथी बार हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। आयुष्मान भारत योजना में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वोटर आईडी से आधार को लिंक करने के अभियान में हमारे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर पहले स्थान पर है। आयुष्मान योजनाओं के शिकायतों के निवारण में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृत कराने के मामले में हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम पहले स्थान पर है। हाल ही में किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश का जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के दिनेश कुमार शुक्ला को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये है दिनेश कुमार शुक्ला जी। बात करें यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 15 नवंबर 1983 में की गई थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में है। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में है। और देखिए आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के राजू लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्ष चौहान किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये है सुधीर सक्सेना, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? सुधीर सक्सेना जी हैं। अच्छी सुविधा देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट का देश में कौन सा स्थान है? तो राजा भोज एयरपोर्ट का देश में द्वितीय स्थान है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, द्वितीय स्थान। पहला स्थान किसका है? तो ये राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट का पहला स्थान है। देखिए अभी हाल ही में हमारे देश में एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे किया गया, तो इसमें यह स्थान मिला है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। कहां कहां पर? एक तो इंदौर में है, एक भोपाल में है, ठीक है। इंदौर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंदौर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 5 एयरपोर्ट है, ठीक है। 5 एयरपोर्ट कौन कौन से है? तो 2 तो यही हो गए, और 3 कौन कौन से? एक तो डुमना एयरपोर्ट जिसको हम रानी दुर्गावती एयरपोर्ट भी बोलते हैं, वो कहां पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो डुमना एयरपोर्ट कहां पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। और सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये खजुराहो में। मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1948 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। कहां से कहां तक? तो ये इंदौर से ग्वालियर तक।
इंदौर में कौन सा एयरपोर्ट है? देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और ग्वालियर में कौन सा एयरपोर्ट है? विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। और हमारे मध्य प्रदेश से पहली इंटरनेशनल उड़ान कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ये भोपाल से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो ये 2010 में हुई थी। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 3 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो भोपाल से कब स्टार्ट हुई थी? 2010 में। और इंदौर से इंटरनेशनल उड़ान कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2019 में। और सामान की होम डिलीवरी करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो भी देवी अहिल्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्ततम एयरपोर्ट वो भी देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। फ्लाई डिवाइन एक भारतीय एयरलाइंस है। कौन सी? फ्लाई डिवाइन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी इंदौर में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फ्लाई डिवाइन का मुख्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी प्रमुख कौन है? दिनेश गुप्ता है। रूफटॉप सोलर नेट मीटर के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो ये इंदौर शहर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए ये जो सोलर पैनल सूरज की किरणों को बिजली में परिवर्तित करता है। सोलर पैनल सिलिकॉन के सील, शीशे, पॉलीमर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सोलर पैनल किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के सील, शीशे, पॉलीमर और एल्यूमिनियम से बने होते हैं। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को फोर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। पांचवें स्थान पर कौन है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। सिर्फ पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है, सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना, याद रखिएगा कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की अपना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था? तो ये 17908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है? वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में? 23255 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था? 30% बढ़ाया गया था। 30% बढ़ाया गया था, तो ये परसेंट याद रखिएगा। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 30% की वृद्धि की गई थी बजट क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की किस एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य एकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी के निदेशक है डॉक्टर विकास दवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे को केंद्र सरकार की साहित्य एकेडमी में जनरल काउंसिल का सदस्य बनाया गया है, और यह है डॉक्टर विकास दवे। देखिए बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1954 में की गई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ये 1954 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी एकेडमी है ना, जैसे रविंद्र भवन, मध्य प्रदेश कला परिषद, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ एकेडमी, मतलब जितनी भी एकेडमी है सारी भोपाल में है। एकेडमियों का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। मात्र मध्य प्रदेश कालिदास जो एकेडमी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। और मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1978 में की गई थी। मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी 2020 से किसे किस सम्मानित किया गया है? तो ये आशुतोष शर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आशुतोष शर्मा को सम्मानित किया गया है। बात करें यहाँ पर हम मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की, तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? ये 1976 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और इसकी स्थापना
1979 में की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि तलाश जौहर कार्यक्रम की शुरुआत किस अकादमी के द्वारा की गई है, तो ये मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा की गई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा तलाश ए जौहर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसने किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंगूभाई पटेल। शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। रवि विजय कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला जी थे। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्री कुंजीलाल दुबे जी थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जी थे। और मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सुश्री सरला ग्रेवाल थी। और अभी हाल ही में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा मेरा मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी ने किया है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये 13 जनवरी को किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 जनवरी को हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और ये राज्य स्तरीय होगा। क्रम यहाँ पर हम 16 जनवरी को, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विमुक्त जाति दिवस कब मनाया जाता है, ये 31 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2021 में पूछा भी गया था। और 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, ये 26 दिसंबर को। चारों डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर की सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिवदर्शन आर्ट गैलरी का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमारे मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर के सद्भावना ऑडिटोरियम एवं शिवदर्शन आर्ट गैलरी का वर्चुअल शुभारंभ किया है। और ये कहाँ पर किया है, तो ये हमारे देश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। ठीक है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर के हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। और हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, 16वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक है, और ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है, और ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला जी है। मंत्री कौन है हमारे देश के, तो ये अमित शाह है। देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की जाएगी, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। ठीक है, तो भोपाल में देश की पहली सरकारी होम्योपैथी फार्मेसी स्टार्ट की जाएगी। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये टीकमगढ़ से किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो ये टीकमगढ़ से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीकमगढ़। मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ कब किया है, तो ये 4 जनवरी 2023 को किया है। ठीक है, 4 जनवरी 2023 को किया है मुख्यमंत्री आवासीय भूखंड योजना का शुभारंभ। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक मांडू उत्सव का आयोजन किया जाएगा। मांडू हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पहले जो डेट बताई थी, तो उसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये अब 7 से 11 जनवरी तक किया जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मांडू उत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 7 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जबलपुर प्रथम स्थान पर है, बड़वानी द्वितीय स्थान पर है, बालाघाट तृतीय स्थान पर है, नरसिंहपुर चतुर्थ स्थान पर है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है, जबलपुर है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 23 अगस्त 2022 को हुआ था। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 23 अगस्त 2022 से हुआ था। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किस थीम पर किया है, तो ये अद्भुत मध्य प्रदेश पर किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया है और इसकी थीम है अद्भुत मध्य प्रदेश। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण आयोजन किए जाने हैं, कौन कौन से, एक तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब से कब तक आयोजित की जाएगी, ये 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक, ठीक है। और इसमें हमारे देश के जो बड़े बड़े निवेशक है वो भी इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे और इसमें हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होगी। और ये कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों, तो ये रखी गई है फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, ठीक है। फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश किसकी थीम है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाना है, तो ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाएगा, तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या रखी गई है, तो देखिए इसकी थीम जो रखी गई है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी, इसकी थीम रखी गई है। और जो इंदौर नगर निगम है इसके द्वारा इसकी थीम क्या रखी गई है, अतिथि देवो भव रखी गई है। ये कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, तो 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, तो ये 17वां भारतीय प्रवासी सम्मेलन है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 2003 से हुई थी, ठीक है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 2003 से हुई थी, वर्ष 1915 में 9 जनवरी को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत की थी। इसी के उपलक्ष्य में हमारे देश में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। इसमें किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है, तो ये गुआना के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है और ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य को भी आमंत्रित किया गया है, ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ये पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है जल पर राज्य मंत्रियों का, तो इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। और इसका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है और ये कब से कब तक आयोजित किया गया है, तो ये 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण आयाम है, तो इसका फोकस याद रखिएगा वाटर विजन एट द रेट 2047 फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, इसमें फोकस ऑन वाटर विजन एट द रेट 2047। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो इसका आयोजन 5 जनवरी और 6 जनवरी को किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री ने सतत विकास के लिए 5P मंत्र की घोषणा की है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 5P मंत्र की घोषणा की है। हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, SHOT शॉर्ट फॉर्मूला दिया है, तो किसने दिया है, ये किस संस्थान ने दिया है, ये IIM इंदौर ने दिया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, IIM इंदौर ने पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला दिया है। इसमें S से सिस्टम, H से ह्यूमन रिसोर्सेज, O से ऑपरेशन और T से टेक्नोलॉजी, तो ये शॉर्ट फॉर्म किसके द्वारा दिया गया है, ये IIM इंदौर के द्वारा दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म दिया गया है पुलिस की कार्यशैली को सुधारने के लिए। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर IIM इंदौर की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर, ठीक है। इसके यहाँ के प्रोफेसर कौन है, ये हिमांशु राय है, और ये है हिमांशु राय, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1996 में की गई थी। इस देश का दूसरा और हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है सांची, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सांची। और सांची हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और सांची में बौद्ध स्तूप है दोस्तों, और सांची को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, तो ये 1989 में शामिल किया गया था। देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 3 प्लेस ऐसे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। सबसे पहला है दोस्तों खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था, ये 1986 में शामिल किया गया था। और खजुराहो के मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सांची स्तूप को दोस्तों 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद 2003 में, ठीक है, कब, 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में हमारे मध्य प्रदेश के भीम बेटिका को शामिल किया गया था। और भीम बेटिका भी कहाँ पर है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और सांची भी कहाँ पर है, तो ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें ओरछा की दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, तो
याद रखिएगा। और खजुराहो की बात करें दोस्तों यहाँ पर हम, तो खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें मांडू की, तो मांडू हमारे मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रेवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा देखिए दोस्तों, जो सांची है ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी रहेगा और देश का दूसरा रहेगा। तो देश का पहला सोलर सिटी शहर कौन सा है दोस्तों? ये ओडिशा का कोणार्क है, इसका नाम भी याद रखिएगा। तो कि दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।